Good morning students, welcome to computer class standard 4. We will continue our chapter 4 paint. Paint का previous paper में मैंने आपको digital class में practically सारी चीजें बताई थी कि कहाँ से paint open होता है. तो paint basically कहाँ से कि जब हम computer on करते हैं तो left side पे start button पे click करो, then वहाँ से क्या आएगा all program के ऊपर mouse button रखोगे तो आपको पूरी accessories पेंट विंडो के ऊपर आप पेंट के ऊपर जब पेंट आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो पूरा पेंट का डेस्कटॉप के ऊपर उसका पूरी स्क्रीन पेंट विंडोज ऊपर ओपन हो जाएगी. फिर उसके अंदर सारी चीजें मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई थी फर्स्ट पीरियड में ब्लैक यहाँ बोर्ड के ऊपर भी कि कहाँ से कौन सी चीजें होती है, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबॉन, टैक्स जो होता है, ड्रॉइंग एरिया एंड वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की थी. नीचे टास्क बार में क्या होता है वो भी बताया था. आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लेते हैं. उस दिन मैंने आपको डिजिटल में दिखाया था एंड फर्स्ट टाइम जो मैंने वो पूरा ड्रॉ करके बताया था. आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्लिक ऑन टेक्स्ट, यू विल सी द पेंट विंडो ऑन द स्क्रीन. कहाँ पे आप क्लिक करोगे तब पेंट विंडो ओपन होगा, तो पेंट के ऊपर ही है ना. ऑफिशियली हम पेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तभी वो ओपन होगा. आंसर आएगा PAINT, पेंट. क्लिक ऑन पेंट, यू विल सी द पेंट विंडो ऑन द स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट है द डैश शो द नेम ऑफ द प्रोग्राम. कहाँ पे आपका प्रोग्राम दिखाई देता है तो वो भी मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके सारी चीज बताई थी कि टाइटल बार के ऊपर मैंने आंसर लिख लिया है. टाइटल बार शो द नेम ऑफ द प्रोग्राम. टाइटल बार हमें क्या दिखाता है, शो, सॉरी यहाँ पे SHOW. टाइटल बार शो द नेम ऑफ द प्रोग्राम. तो टाइटल बार हमें क्या दिखाता है, जो भी प्रोग्राम हम रन करें चाहे वो पेंट हो, वर्ड पेंट हो या कोई और चीजें कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट पे एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं तो वो हमें टाइटल बार के ऊपर अनटाइटल डॉक्यूमेंट ऐसा लिख के आता है. ओके, तो वो होता है टाइटल बार शो द नेम ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट थर्ड नंबर, इन पेंट विंडो यू कैन ड्रो द कलर पिक्चर इन द. तो पेंट विंडो में आप कहाँ पे ये ड्राइंग बनाते हो तो आंसर क्या आएगा, ड्राइंग एरिया, इन द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया हम कहाँ पे पिक्चर बनाते हैं तो ड्राइंग एरिया में, DRAWING ड्राइंग एरिया. तो आप जो भी पिक्चर जैसे वर्ड पेड, आपने थर्ड स्टैंडर्ड में वर्ड पेड सीखा है. ओके, तो वर्ड पेड में आप कहाँ पे लिखते हो तो टेक्स्ट एरिया, उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे आप टाइप करते हो. वर्ड पेड में आप वर्क करते हो तो वहाँ पे जो होता है एरिया, ब्लैंक पेज होता है, उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया. एंड जब आप पेंट ओपन करते हो तो पेंट पे जो एरिया होता है, जो पेज होता है, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग एरिया. ओके, तो वो दो चीजें डिफरेंट हो जाती है. वर्ड पेड में वहाँ पे आंसर आता है टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे आएगा ड्राइंग एरिया. नेक्स्ट है, कंटिन्यू करते हैं हम फोर नंबर. द डैश हैज द होम टैब एंड व्यू. तो होम टैब एंड व्यू कहाँ पे होता है तो मेनू बार. कहाँ पे होता है, मेनू बार. द मेनू बार हैज द होम टैब एंड व्यूज. मेनू बार होता है वो भी मैंने बताया था. मेनू बार में क्या होता है तो एक होम टैब होता है एंड व्यू होता है. होम टैब जब आप ओपन करते हैं तो क्या एक्स्ट्रा ओपन होता है, तो रिबॉन में से आप जो भी पेंट आपको करना है वो सारे जो फंक्शन होते हैं, शेप्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, कलर, ब्रश, पेंट, जो भी यूज करना है वो सारी चीजें आपको होम के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां से वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी और रिबॉन का पूरा ओपन हो जाता है. एंड आगे जो है वो हमें उसके आगे जो होता है होम एंड व्यू, तो उसमें से एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं. तो हमारा मेनू बार हैज द होम टैब एंड व्यू. नेक्स्ट फाइव नंबर, द क्विक
एक्सिस डैश एस टू स्लाइसेस अनडू एंड रीडू। तो ये जो होता है टाइटल बार के वहां पे होता है, तो क्विक एक्सिस क्या होता है टूल बार, टी डबल वॉल टूल बार। तो क्विक एक्सिस टूल बार एस टूल्स लाइक सेव अनडू एंड रीडू, यहां पे फुल स्टॉप। ओके द नेक्स्ट है, और तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको प्रैक्टिकली भी डिजिटल में दिखाया था। तो क्विक एक्सिस टूल बार एस टूल्स लाइक सेव अंडू एंड रीडू। नेक्स्ट है ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, टाइटल बार ओके, टाइटल बार कहाँ होता है ऊपर, टास्क बार होता है बॉटम में, टाइटल बार होता है सबसे ऊपर ओके। तो टॉप एंड बॉटम, टॉप पे होता है टाइटल बार, तो टाइटल बार द ऑन द राइट साइड, राइट दैट मीन्स ये रहा मेरा राइट। तो राइट साइड पे यू कैन सी थ्री बटन्स लाइक मिनिमाइज डैश एंड क्लोज, बटन होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था ड्रॉ करके भी एंड प्रैक्टिकली भी। तो कौन से बटन होते हैं, मिनिमाइज, फिर यहाँ पे क्या आएगा रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। तो रिस्टोर डाउन एंड क्लोज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज क्या क्या होता है, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। यू ऑन द राइट साइड ऑफ टाइटल बार यू कैन सी थ्री बटन्स लाइक मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। नेक्स्ट सेवन नंबर, क्लिक ऑन द मिनिमाइज द पेंट विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डैश, मतलब जब आप मिनिमाइज बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी पेंट का विंडो है वो कहाँ पे चला जाएगा, विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्कटॉप, आपको डेस्कटॉप के ऊपर छोटा सा उसका आइकन दिखाई देगा। तो आंसर सॉरी टास्क बार, ओके क्लिक ऑन द मिनिमाइज द पेंट विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द टास्क बार, टास्क बार में वो चला जाएगा उसका छोटा सा आइकन आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, आप पहले इतने लिख लीजिए फिर मैं यहाँ पे एक नंबर से कंटिन्यू करते हैं हम। ये सेवन तक हुई, एक नंबर से कंटिन्यू करते हैं ओके। यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया, क्लिक ऑन द मिनिमाइज द पेंट विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप आंसर आएगा कि डेस्कटॉप पे हमें नहीं दिखाई देगा, डेस्कटॉप ओके, डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगा हमें, मेन स्क्रीन के ऊपर वो नहीं दिखाई देगा। फिर है क्लिक ऑन मिनिमाइज यू कैन सी ओनली, क्लिक ऑन मिनिमाइज यू कैन सी ओनली, सी ओनली इट्स आइकन बटन ऑन द, इट्स आइकन बटन ऑन द डैश। तो यहां पे आंसर आएगा टास्क बार, ओके ये क्वेश्चन क्या है, मेरी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। क्लिक ऑन द मिनिमाइज द पेंट विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्क,
गायब हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्लिक ऑन मिनिमाइज, यू कैन सी ओनली इट्स आइकन बटन ऑन द टास्क बार। वो डेस्कटॉप से डिसअपीयर होके कहाँ पे चला जाएगा, तो टास्क बार में नीचे की लाइन में उसका हमें आइकन दिखाई देगा। ओके, क्योंकि हमने क्लोज नहीं किया, हमने क्या किया है, उसे मिनिमाइज किया है। ओके, नाइन नंबर, क्लिक ऑन डैश, क्लिक ऑन डैश, द पेंट विंडो विल बिकम द पेंट विंडो विल बिकम स्मॉलर। क्लिक ऑन डैश, द पेंट विंडो विल बिकम स्मॉलर। तो पेंट विंडो स्मॉलर लगेगा कब, जब आप रिस्टोर डाउन कहां पे क्लिक करोगे, रिस्टोर डाउन जब आप रिस्टोर डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो विंडोज डेस्कटॉप के ऊपर वो छोटा हो जाएगा, जैसे वो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था कि उसके फुल स्क्रीन की जगह वो आधी स्क्रीन पे ही आपको दिखाई देगा। ओके, तो क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन, द पेंट विंडो विल बिकम स्मॉलर। 10 नंबर है, इन द स्मॉलर विंडो, इन द स्मॉलर विंडो, इन द स्मॉलर विंडो restore down button change restore down down button change into dash। तो क्या होता है, in the smaller window restore down बटन चेंज इनटू क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कहां पे चेंज हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, तो इन द स्मॉलर विंडो रिस्टोर डाउन बटन चेंज इनटू मैक्सिमाइज, जैसे स्क्रीन पे फुल स्क्रीन से जब आप मिनिमाइज करोगे तो वो हाफ स्क्रीन पे आ जाएगा, एंड देन वहां पे जो बटन रिस्टोर डाउन का था वहां पे वो चेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज, मतलब जब आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे तो वही स्क्रीन फिर से अपनी साइज में आ जाती है। ओके, ये 10 हुई, और हम लिखते हैं 11 नंबर, ऊपर ही लिखती हूँ। ओके, मैं इस साइड की रब कर देती हूँ। द मेनू बार हैज द होम टैब एंड व्यू। 5 नंबर, द क्विक एक्सेस टूल बार हैज टूल्स लाइक सेव, अंडू एंड रीडू। 6 नंबर, ऑन द राइट साइड ऑफ टाइटल बार यू कैन सी 3 बटन लाइक मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। क्लिक ऑन द मिनिमाइज, द पेंट विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्कटॉप। 11 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स से आज हम चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर रहे, बट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम लिख रहे थे। ओके, देन मैं फिर से आपको चैप्टर जो है हम प्रैक्टिकली ही समझ पाएंगे, इसलिए मैं जब लिखा ना होगा तब यहाँ पे कराऊंगी, अदरवाइज हम प्रैक्टिकली डिजिटल में ही करेंगे। ओके, 11 नंबर, क्लिक ऑन द डैश, क्लिक ऑन द डैश बटन टू, बटन टू सी द विंडो इन इट, सी द विंडो इन इट original size again, original size again,
और रिस्टोर डाउन का बटन चेंज हो जाता है मैक्सिमाइज में, और फिर वो मैक्सिमाइज बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो विंडो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा मैक्सिमाइज। ओके, आंसर सेम है बट क्वेश्चन दोनों अलग है। ओके, जो उसने पूछ रहे हैं वो दोनों चीजें अलग है। फिर 12 नंबर, तो यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमाइज बटन चेंज इनटू रिस्टोर डाउन। मैक्सिमाइज पे आप क्लिक करोगे स्क्रीन फिर से फुल स्क्रीन हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी, तब वो मैक्सिमाइज वाला बटन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्टोर डाउन हो जाएगा वहां पे फिर से। ओके, चलो नेक्स्ट 12 नंबर, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द एरो नेक्स्ट टू द पेंट बटन टू सी पेंट टू सी अ डैश मैन क्या है। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द पेंट बटन टू सी अ डैश मैन। ऊपर टाइटल बार के ऊपर आता है कि जैसे आप टाइटल बार के ऊपर पेंट के ऊपर कहां पे क्लिक किया, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द पेंट बटन। पेंट बटन होता है ना वहां पे छोटा सा ऐसा एरो है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था। यहाँ पे आइकन होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा एरो होता है। ओके, ये छोटा सा एरो है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो क्या ओपन होगा। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द पेंट बटन टू सी अ ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन DOWN। ओके, DROP ड्रॉप डाउन मेनू क्या ओपन हो जाता है, ड्रॉप डाउन मेनू। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर, द डैश बिलो विल शो द डैश बिलो विल शो ऑल द टूल्स दैट विल Smaller.
बाजू में होम के मेनू बार में होम के बाजू में व्यू टैब भी होता है, तो व्यू टैब के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो रिबन वाला पूरा चेंज हो जाएगा। रिबन वाला क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, जहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज आपको व्यू दिखाई देगा कि आपने जो भी ड्रॉइंग किया है वो हमें अगर उसकी प्रिंट निकालनी है तो वो किस तरह का लग रहा है, कहाँ से क्या चीजें आ रही है, वो सारा हमें कहाँ से दिखाई देगा, व्यू। तो यहाँ पे क्या है, क्लिक ऑन द व्यू टैब, द रिबन बिलो विल शो ऑल द टूल्स दैट विल हेल्प यू टू चेंज द व्यू ऑफ द पेंट, पेंटिंग का व्यू। जैसे आपके फोन में आप देखोगे कि रोटेट होता है, रोटेट होता है ना कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन रोटेट होता है, आप चेंज करते हो कोई भी पिक्चर है, उसको डार्क करना है, लाइट करना है, व्हाटएवर, जो भी आपको व्यूज देखने हैं उसके कि किस साइड से वो कैसा लग रहा है, तो वो आप व्यू में जाके, जैसे ये दोनों फीलिंग तो मैं आपको सेम लगेगी, द रिबन बिलो विल शो ऑल द टूल्स दैट विल हेल्प यू टू ड्रॉ। तो यहाँ पे भी सेम यही है, रिबन बिलो विल शो ऑल द टूल्स दैट विल हेल्प यू टू, यहाँ पे क्या है, चेंज द व्यू, यहाँ पे क्या है, ड्रॉ के लिए वो हेल्प करता है, यहाँ पे क्या है, चेंज द व्यू ऑफ द पेंट। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा व्यू टैब। देन 15 नंबर, द डैश बार शो यू द डैश बार शो यू द डैश बार शो यू द स्टेटस ऑफ द पेंट विंडो, स्टेटस ऑफ द पेंट विंडो, नीचे विंडो, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटस बार, एस टी ए टी यू एस, स्टेटस बार, स्टेटस बार शो यू, शो यू द स्टेटस ऑफ द पेंट विंडो। स्टेटस बार कहाँ होता है, जो ऊपर ही होता है, द स्टेटस बार शो यू द स्टेटस ऑफ द पेंट विंडो लाइक द साइज ऑफ द ड्रॉइंग एरिया एंड साइज ऑफ द, मतलब जो रिबन जो ओपन होता है उसमें स्टेटस बार होता है, वहाँ पे स्टेटस बार शो यू द स्टेटस ऑफ द पेंट विंडो लाइक द साइज ऑफ द ड्रॉइंग एरिया द साइज ऑफ द पिक्चर। तो उसे आप जूम करके देख सकते हो, जैसे हम हमारे मोबाइल में फोटो क्लिक करने के बाद उसे जूम करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें फ्रेम रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो करते हैं यहाँ से स्टेटस बार से हमें मिल जाती है। स्टेटस बार शो यू द स्टेटस ऑफ द पेंट विंडो, आपने जो भी पेंट बनाया उसका स्टेटस क्या है, वो कैसा लग रहा है, वो हमें स्टेटस बार से पता चलता है। ओके, तो आज हमने 15 फिलिंग द ब्लैंक्स लिखी। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको क्या कराऊंगी, डिजिटल में प्रैक्टिकली, मतलब ये चैप्टर हम प्रैक्टिकली ही सीखेंगे। ओके, ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में हम यही चैप्टर कंटिन्यू कर